हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने के मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने एक बार फिर कहा है कि असम में हिंदू समुदाय अब एक अल्पसंख्यक समुदाय है। उन्होंने कहा कि ये बात कई आंकड़ों से साबित भी होती है कि असम में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है। असम के सीएम ने ऐसा बताया कि जब किसी राज्य में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है तो उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि जब एक जिले में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक नहीं है तो उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करने की आवश्यकता भी है। उन्होंने आगे कहा कि असम के कई जिले ऐसे हैं जहां हिंदू समुदाय स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि असम के कुछ जिलों में तो हिंदू धर्म के 5,000 से भी कम लोग मौजूद हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि असम में मुस्लिम बहुसंख्यक है और ये सिर्फ उनकी राय नहीं है बल्कि ये कई आंकड़ों से भी साबित होती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा था कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ की राज्य सरकारें आधिकारिक तौर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि एनआरसी की नई सिरे से समीक्षा की जाएगी और सटीकता और सही डेटा के साथ इसे दोबारा असम में करने का फिर से एक बार प्रयास भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में प्रस्तुत एनआरसी की प्रकाशित सूची में असम के कुल 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख से अधिक लोगों के नाम एनआरसी में नहीं जोड़े गए थे। वहीं सीएम शर्मा ने आगे कहा कि एनआरसी को एक बार फिर से किए जाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत भी कर रही है ताकि एनआरसी को दोबारा से किया जा सके। वहीं आंसू सलाहकार समुजल भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के फैसले से सहमति जताते हुए कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एनआरसी सूची को एक बार फिर से सत्यापित किया जाए ताकि असम अवैध बांग्लादेशियों से मुक्त हो सके। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएं, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।